अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़े, हाय हेलो केमचो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो आज हम लक्के के हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी मतलब कमेंट वाला वीडियो है ये, कि जाहिर सी बात है कि इतना मतलब आंखों के पास का चीरफाड़ हुआ तो क्या इस टाइम क्या उसका सिचुएशन है और कैसी हालत है। तो कुछ दिनों की वीडियो मैंने बनाई हुई है, बट छोटी छोटी उसके टहलते फिरते मस्ती करते की। तो अभी तो ये जस्ट निकला है, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई जो हर रोज़ की है तो वो तो करनी है। जैसे पानी के वजह से थोड़ा सा जैसे परवर देख सकते हो चिपक गया है, तो अभी पकड़ेंगे और आपको दिखाएंगे और साफ़ करने से पहले और साफ़ करने के बाद दोनों। तो अभी जस्ट निकला है तो थोड़ा कबूतरों को फ्रेश हो लेने दीजिए और दिखाते हैं। और कुछ दिन की छोटी छोटी क्लिप बनाई है मैंने, तो वो भी हम जोड़ देंगे क्या है और उस टाइम कैसा था और इस टाइम कैसा है। तो घाव भरने में तो भाई इतना बड़ा चीरफाड़ था तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही, क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा था, मतलब अपने सोच से भी ज़्यादा। मतलब उस टाइम तो जैसे तो कैसी सिचुएशन थी मैं ही बता सकता हूँ। और मतलब अपने लाइफ में पहली बार मतलब इतना बड़ा इतना सेंसिटिव एरिया का कोई चीरफाड़ मैंने किया है। छोटा मोटा तो हर कोई कर लेता है और किया भी है, भाई इतने सारे कबूतर रखे हो तो कोई ना कोई सिचुएशन तो ऐसी हर लोगों के साथ हुई है कि वो कर लिया होगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि लगड़ बैरी मारी है तो उसको टाके लगाया हूँ लेकिन खुद से नहीं फाड़ा हूँ, इतना मतलब चीरा लगाया हूँ। वैसे फाड़ना तो नहीं कहेंगे, हाँ चीरा लगाया कह सकते हैं, बट इतने सेंस कहीं और किसी एरिया में होता तो बात दूसरी होती। और उस टाइम जब उसको चीरा मैंने लगा रहा था तो इतना मतलब स्मेल आ रही थी इतनी खराब कि मतलब मैं क्या बताऊँ। मतलब एक दिन के बाद मैंने वीडियो एडिट की है, मतलब वीडियो एडिट करते करते भी वो स्मेल मतलब ऐसा लग रहा था कि उस वीडियो में से भी आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग पे वो चढ़ गया था। मैंने तो वो चीज़ दिखाई नहीं कि मतलब क्या कहते हैं, जब मतलब वो कर रहा था ऑपरेशन तो बगल में मतलब बहुत ढेर सारा मैंने थूका हुआ था इतना दूर तक, मतलब दिखाया इसलिए नहीं कि गंदा लग रहा था, मतलब रह रहे कि इतना ज़्यादा वो हो रहा था। और मतलब 22 से 25 मिनट की टोटल टाइमिंग चली होगी ऑपरेशन की, जिसमें से 3 मिनट तो मैंने थूकने में लगाया रहा होगा। तो ये समझ लो कि कितना ज़्यादा वो था, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा अजीब फीलिंग वाली। तो खैर जो हुआ सब हो गया और लक्का फिलहाल ठीक है, मस्ती से खा रहा है पी रहा है और अभी दिखाएंगे खाते पीते भी, उसके बाद हम पकड़ के दिखाएंगे। तो आइए थोड़ा पकड़ के भी दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस तरह का फिलहाल, अरे यार तो देख सकते हो उस टाइम कितना बड़ा मतलब चीरा लगा हुआ था, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रेड रेड बना हुआ था। तो अभी इसकी साफ सफाई कर लें तो फिर और अच्छे से दिखाते हैं, क्योंकि फिलहाल ये चीज़ सटा होने की वजह से, ये चीज़ देख रहे हो आँखों में सटा होने की वजह से आँखों में मतलब लग रहा है तो पानी की तरह बन रहा है, इसीलिए इसकी सफाई ज़रूरी है रोज। तो और अभी ये उचाड़ने लायक नहीं हुआ है और वैसे भी उचाड़ना ठीक नहीं है, बाकी तो सब अपने से ही उचड़ जाएगा टाइम होने के बाद। एक टाइम जब हो जाएगा धीरे 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 यहाँ पर जो चमड़े स्किन बन जाएगी, क्योंकि ये पूरा साफ हो गया था, काट के निकल गया था, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा चमड़ा जो तो ख़त्म हो चुका था, तो अब धीरे धीरे चमड़ा बन चुका है और ये भी जो इतना बाकी है ना ये धीरे धीरे उचड़ जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या चीज़ कुछ बाकी रह गई है। वैसे आ रहा हूँ थोड़ा इसकी साफ़ सफाई करके। तो साफ़ सफाई करने के बाद कुछ इस तरह का इसका शक्ल सूरत दिखेगा और पहले से बेहतर खा भी रहा है, पहले ज़्यादा नहीं खाता था और अब पहले से ज़्यादा खा भी रहा है।
और इसके खाते वक्त की वीडियो भी मैं एक दो क्लिप जो तो कई दिनों की पहले की बनाया हूँ, मतलब ऑपरेशन के कोई एक दिन की है, एक दो दिन के बाद की, तो कोई तीन चार दिन के बाद की है, तो इसे हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसे खाने देते हैं। तो ये अक्सर यहाँ बैठ के खाता है, ये इसमें तो, और आज देख रहा हूँ कि अभी तक नहीं खाया यहाँ आके, तो जब तक उसमें घुस के नहीं खाता तब तक ये एक मीनान से नहीं खाता, क्योंकि वो वहाँ पास में मैं बैठा रहता हूँ और ये मेरे बगल में ही आके बैठ के खाता है। हम इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, वो सीधे अंदर चला गया। वो सीधे अपने अड्डे पे, तो फिलहाल पहले से काफ़ी बेहतर है उसकी हेल्थ, और अब तो बस ज़्यादा से ज़्यादा वो खाए वही उसमें उसके लिए बेस्ट है। जितना ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा वो हेल्दी होता जाएगा, क्योंकि कम खाने की वजह से अभी थोड़ी सी हड्डी उसकी निकली हुई है। और पहले बस ये है कि पूंछ पहले से काफ़ी बेहतर होगी, नहीं तो झुका के वो चलता था थोड़ा सा बीमार टाइप से बना हुआ। अब काफ़ी काटे वाटे भी कर रहा है और पूंछ भी उठी हुई है, बस ये है मस्ती नहीं कर रहा, गुटर नहीं रहा है, बाकी बस अब यही रह गया है। तो वो हेल्थ इशू अभी थोड़ी सी है, वीकनेस है, तो बाकी वो कुछ दिन के बाद वो कवर होगी, उसके लिए टाइम चाहिए। तो जाओ आप बाकी वीडियो एंजॉय करो, आगे की क्लिप चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़। तो ये है 16 जनवरी शाम की वीडियो, और ऑपरेशन मैंने किया था 13 जनवरी शाम के टाइम। देख सकते हो मस्त आया है, अपने से चढ़ा है और खा रहा है। लेकिन ये है कि रोशनी मुझे लग रहा है कि कम है, क्योंकि ये देखो इतने में इसको रिएक्शन कर देना चाहिए भागने का। अब यही इधर से मैं हाथ लगाऊं तो देखो, अभी खाने में मगन है। तो चलो अभी इसे डिस्टर्ब नहीं करते, खाने देते हैं। तो ये लक्के के ऑपरेशन करने के करीब करीब 5-6 दिन के बाद की वीडियो है, ये अक्सर यहीं पर आके खाता है। तो बाकी कबूतर दाना उधर खा रहे होते हैं, ये टेबल पर चढ़ के अपने पास में बगल में बैठ के ही खाता है। और ये मोडेला तो कभी कभार आता है। तो ये देखो कुछ ऐसा है, और कभी कभी मतलब हाथ लगाने पे ये रिस्पांस देता है, तो कभी लगता है कि हाँ इसकी आँख की रोशनी है। कभी कभी कोई रिस्पांस नहीं देता है तो लगता है कि नहीं है, लेकिन अगर रोशनी ना होती तो ये मालूम है गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी करके चलता। जैसे एक तरह की आँखें होती हैं तो अक्सर कबूतर थोड़े से सिक्योर होके रहते हैं, बार बार उलटना पलटना रहता है, और गर्दन थोड़ी सी जिधर की तरफ रोशनी है जिस आँख में उधर की तरफ झुकाए रहते हैं, और फटाफट उधर ही की तरफ से देखते हुए खाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल खा रहा है, और कभी कभी देखो इस टाइम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है कोई, और लेकिन देखो थोड़ा सा खिसका ना, इसका मतलब कि इसको दिखाई दे रहा है। और इधर से, और हाँ पहले से थोड़ा सा काफ़ी बेहतर भी हो गया है, जैसे कि पहले थोड़ा सा सुस्त, ऑपरेशन करने से पहले थोड़ा सा जैसे दुम झुका झुका के चलता था, अब तो बिल्कुल दुम उठा के चलता है और पूरा काटे वाटे लेके रहता है। और हाँ अभी उतना मस्ती नहीं कर रहा, गुटक नहीं रहा है, जैसे इस घर उस घर पे उड़ के जाता था आता था, ये अभी नहीं कर रहा है, बस बहुत करता है उस पर या उस पर जाता है, वो भी कभी कभार।
Shh, 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 shh.